हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंजलि। आज हम बनाएंगे आगरा की प्रसिद्ध बेडमी पूरी सब्जी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेडमी पूरी के स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर ली उड़द की दाल। मैंने यहाँ पर दो बाउल उड़द की दाल ली है, उसे मैंने दरदरा पीस लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 पिंच हींग। हींग से डाइजेशन सही रहता है, इसलिए मैंने हींग ली है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून सौंफ। सौंफ से भी इसका फ्लेवर अलग से हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर लिया है मैंने यहाँ। और साथ में मैंने ऐड कर दिया 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम डो की तरह तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, बेडमी पूरी में हम जब ये उड़द की दाल की स्टफिंग करते हैं, उससे ही इसका टेस्ट अलग हो जाता है। बेडमी पूरी काफ़ी क्रिस्पी बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। ये देखिए, इससे जो पेड़े बन रहे हैं, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। अब हम बेडमी पूरी का डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बाउल मैदा, और मैं साथ में इसमें यूज़ कर रही हूँ 2 बाउल गेहूं का आटा। जितना मैंने मैदा लिया है, उतना ही मैंने गेहूं का आटा लिया है। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बाउल सूजी। सूजी से हमारी जो पूरी बनेगी एकदम क्रिस्पी बनेगी। आप यहाँ पर रेशो को ध्यान रखिए, 2 बाउल मैदा, 2 बाउल गेहूं का आटा और 1 बाउल सूजी ली है। और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से हाथ थैलियों से क्रश करके इसमें डालेंगे। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी हम हाथ से इस तरह से क्रश करके इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी से भी इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है और टेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। और साथ में मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून रिफाइंड, और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून घी। घी ऑप्शनल है, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल करें, अदरवाइज स्किप कर दें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इनको हाथों से अच्छे से मल लेंगे। ये देखिए, मलने के बाद जो हम इसकी मुट्ठी बनाते हैं, तो हमारी इसकी मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब जो आटे में हमने रिफाइंड डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो तैयार कर देंगे। हमारा डो जो हम तैयार करेंगे वो पूरी की तरह बनके तैयार होगा। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हमारा डो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए। अब मैंने एक कढ़ाई रख दी है और मैंने उसके अंदर डाल दिया 2 टेबल स्पून बेसन। अब हम सब्जी बना रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर बेसन ले रही हूँ। बेसन डालने से जो हमारी सब्जी बनेगी वो थिक बनके तैयार होगी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं बेसन को रोस्ट करके हमारी सब्जी में ऐड करूँगी। अब मैंने उसी कढ़ाई को ले लिया है और उसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून रिफाइंड। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून हींग। ये जो बेडमी पूड़ी होती है ये काफ़ी हैवी होती है, इसलिए हींग का यूज़ करने से ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। और मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून जीरा, और साथ में मैं डाल रही हूँ तेज़पत्ता। मैंने यहाँ पर 2 तेज़पत्ते लिए हैं और इनको मैं तोड़कर इसमें डाल रही हूँ। और मैंने लिए 4-5 लौंग, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च जिनको मैंने बारीक काट लिया है। साथ में थोड़ा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, उसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है।
इन सबको डाल के हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप सिंपल लाल मिर्च भी ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 बड़े टमाटर की प्योरी। टमाटर की प्योरी डालने से एकदम से हमारी सब्जी का कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए एकदम लाल हमारी सब्जी हो गई है। अब मैंने जो बेसन तैयार करके रखा था, जिसे मैंने रोस्ट किया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उससे जो हमारा मसाला है ठीक हो जाएगा। मार्केट में जो सब्जी बनाई जाती है उसमें भी बेसन का यूज़ किया जाता है, वो उसी वजह से वो एकदम गाढ़ी बन के तैयार होती है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अब लिए हैं 4 बड़े आलू। मैंने यहाँ पर इनको बॉईल कर लिया था। अब हम हथेलियों से मैश करके इसमें ऐड कर देंगे। अब हम करछी से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो आलू थोड़े से मोटे हैं हम उसे करछी से मैश कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी। पहले मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी ही डाल रही हूँ, उसके बाद मैं 2 गिलास पानी भी ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 2 गिलास पानी का यूज़ किया है और साथ में मैं नमक डाल रही हूँ। मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी में बॉईल आ गया है। हम गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाला है और 2 चम्मच मैंने लिए हैं कसूरी मेथी। ये देखिए इन सबको डालते ही हमारी सब्जी का कलर एकदम से चेंज हो गया है। मार्केट में भी ऐसे ही ये सब्जी बनाई जाती है। अब हम चलते हैं हमारे डो की तरफ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पेड़ा ले लिया है और हम इसकी अब पूड़ी बनाएंगे। सबसे पहले मैं हाथ से इस तरह से करके इसके अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उड़द की दाल की, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। और देखिए इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे। अब हम इसे बेल लेंगे पूड़ी की तरह। साथ में मैंने ऊपर से इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है जिससे हमारी पूड़ी फटेगी नहीं और अच्छे से बेल जाएगी। ये देखिए मैंने पूड़ी यहाँ पर हल्की मोटी रखी है। हम एक और पूड़ी बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक और पेड़ा ले लिया है, उसे भी हम इस तरह से करके इसमें हम उड़द की दाल की स्टफिंग रख देंगे और उसे कवर करके बेल लेंगे। ये देखिए हमारी दोनों बेडमी पूड़ी बनके तैयार है। अब मैंने गैस पर रिफाइंड रख दिया है और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा था। आप गैस का फ्लेम हाई ना कर दें। ये देखिए हमारा रिफाइंड गर्म हो चुका है। अगर आप गैस का फ्लेम हाई कर देंगे तो हमारी बेडमी पूड़ी जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से सिक जाएंगी, इसलिए आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसको अलट पलट करके हम इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे। हम दूसरी वाली बेडमी को भी हम सेक लेंगे। ये देखिए बनी है ना एकदम फूली फूली बेडमी। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो देखिए हमारी टेस्टी बेडमी पूरी बनके तैयार है। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।